नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आपने जान ही गया होगा जो मेरा विषय है मछली पालन। मछली पालन में आज मेरा 7वां महीना चल रहा है। 7वां महीना, 7 महीना होने में 15 दिन बचा हुआ है। ये मछली हमने 31 जनवरी को डाला हूँ और आज 10 अगस्त है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा इस मछली को हम निकालने जा रहे हैं। और जो आप मछली देख रहे हैं, आप इसको दोबारा नहीं देख पाइएगा इस चैनल में, और नया सिरे से अब स्टार्ट होगा। तो मेरा विषय है बेचने पर। तो दोस्तों, बहुत लोगों का जिज्ञासा था बायोफ्लॉक में मछली पालन, सीमेंट टैंक में मछली पालन, आरएस सिस्टम में मछली पालन। रिजल्ट तो था, लेकिन थोड़ा सा शक था कि क्या ये सही है कि गलत है, मछली पालन हो पाएगा कि नहीं पालन हो पाएगा। इस टाइप का बहुत सारा सवाल मन में था। बहुत लोगों ने अलग अलग चैनल में जाकर अलग अलग तरह का वीडियो देखा, बहुत मोटिवेशन भी हुए, बहुत सारा नॉलेज भी मिला, लेकिन जो रिजल्ट का जो बात है, वो एक्चुअल किसी को नहीं पता कि क्या मछली में फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो मेरे चैनल के माध्यम से आपको 16 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा कि कितना मछली निकला। और एक फाइनल वीडियो मैं बनाऊंगा 30 तारीख को, जो छोटा छोटा सिनेमेटिक शॉट के जरिए, इसमें 15 किलो निकला, इसमें 25 किलो निकला, आज 10 किलो बिका, आज 25 किलो बिका, इस टाइप से हम सिनेमेटिक शॉट लेके हम आपको 30 तारीख को, 30 अगस्त को हो सके तो हम एक ठो वीडियो डालेंगे, जिससे आपको फुल एंड फाइनल प्रॉफिट और लॉस पता चल जाएगा। उसके बाद भी हम वीडियो बनाएंगे जिसमें हल्का जिक्र होगा कि फ़ायदा नुकसान कितना हुआ। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, पिछला हमेशा बताया हूँ, अगर ये बिजनेस मेरा सक्सेस हुआ, 800 से ही मैंने शुरुआत किया हूँ, 800 पीस डाल के, अगर ये सक्सेस हुआ तो मैं बताया हूँ कि एक टंकी और बगल में ही बनाऊँगा। इसमें मेरा कुछ टंकी में प्रॉब्लम है। इसका जो क्या बोलते हैं, पानी निकालने का जो पाइप है, वो बहुत छोटा हमने डाल दिया। तो ये सबको भी अपना गलती को सुधारना भी है हमको, ताकि आपको भी अगर मछली पालन अगर करना चाहेंगे तो आप मेरे द्वारा सीख सकेंगे कि चलो इसमें नुकसान हुआ, पतला पाइप लगाया था, हमको मोटा नहीं लगाना है। तो ये सब थोड़ा सा चैनल में यूट्यूब के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ नया जानकारी मिल ही जाता है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, एक और टंकी जब मैं बनाऊँगा, फिर उसके बाद आप समय जानिए रहे, लेकिन बीच में 2 महीना का ठंडा है, उस ठंडा में बहुत दिक्कत होता है, मछली ग्रोथ नहीं करता है, चाहे उसको चारा दीजिए चाहे ना दीजिए, उस समय क्या बोलते हैं, मत्स्य विभाग वाला भी बोलता है कि थोड़ा उस पर चारा कम कर दीजिए, वो लोग खाता पीता नहीं है, ग्रोथ अच्छा नहीं होता है ठंडा में। और जो दिसंबर और जनवरी फर्स्ट सेकेंड वीक, इस समय बहुत ज़्यादा ठंड रहता है, और वो समझ लीजिए उस समय जानकार बताते हैं कि मछली डैमेज भी होता है। तो आपने देख रहे होंगे दोस्तों कि मेरा तो मछली इंडोनेशिया का वीडियो जैसा दिख रहा है, जैसा इंडोनेशिया में, क्या करें, रोटी पे ही आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। फ्लोटिंग फूड मेरा घट गया है, जो कि हम लाए नहीं, तो अभी चिकन वेस्ट से ही काम चला रहे हैं, और घर का जो रोटी वोटी होता है उसी से काम चल जा रहा है। 800 पीस ऐसे ले, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब ग्रोथ का तो हम बात निकालने के बाद ही करेंगे, फ़ायदा नुकसान क्या है आप खुद समझ जाइएगा चैनल में। तो दोस्तों, मैं
एक बार फिर से कहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। दोस्तों ये शुरुआत है मेरा, आने वाला समय आपको बढ़ चढ़ के ज़बरदस्त टाइप से सीमेंट टैंक पे ही हम काम करेंगे आने वाला समय में, ये मेरा आउटपुट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।